चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जलवा एक बार फिर से चाइना के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला है। जी हां, सलमान खान की बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान अब चाइना में रिलीज हो रही है, यानी सलमान खान का जलवा अब चाइना के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान चाइना के बॉक्स ऑफिस पर करीब 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि चाइना के बॉक्स ऑफिस पर करीब 15,000 थिएटर में एक साथ रिलीज किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि आमिर खान की फिल्म पीके भी चाइना के बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। उसी के तर्ज पर सलमान खान की बजरंगी भाईजान भी चाइना के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान में सलमान खान और कटरीना कैफ का जोरदार अभिनय बहुत दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आया था। सबसे ज्यादा पसंद बाल कलाकार मुन्नी का अवतार ने दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आया था। फिल्म के गाने तो अभी तक दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। साथ ही साथ बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पाकिस्तानी रिपोर्टर तो सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। अभी तक फिल्म ने इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर करीब 600 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखना यह होगा कि चाइना के बॉक्स ऑफिस पर सलमान की बजरंगी भाईजान क्या कमाल दिखाती है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी।